अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। जिसमें टॉपिक नंबर है 4.2.7। लास्ट टाइम हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। सेल फंक्शन बताने हैं और सेल स्ट्रक्चर को हमने कनेक्ट करना है कि कैसे एक सेल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली उसके सेल फंक्शन को भी के बारे में भी आइडिया देता है कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये किस टाइप का फंक्शन सेल परफॉर्म करता होगा। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ईच टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड ऑल कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस बिकम द लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। नीड टुगेदर जितने भी सेल्स हैं और वो जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम उनको यकजान करें, एक एक बात उनके लिए करें, तो वी से दैट दिस आर द लाइफ प्रोसेसेस। सेल्स ऑफ वन टाइप में डिफर फ्रॉम दोज अदर टाइप्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। हमने देखना है कि कैसे एक सेल दूसरे सेल, डू यू नो है ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। अगेन मार्केट फॉर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव साइज एंड शेप की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं। इस वजह से राउंड होते हैं क्योंकि उन्होंने ग्लोब्यूलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन को अपने अंदर रखना होता है, और हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है। यानी रेड ब्लड सेल्स बेसिकली हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं और ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ऑक्सीजन को अक्रॉस द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी। नेक्स्ट है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स की शेप जो होती है वो लॉन्ग होती है क्योंकि इन्होंने ट्रांसमिशन का काम करना होता है, मैसेज को थ्रू नर्व सेल्स, नर्व इम्पल्सिस के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्रॉम वन नर्व सेल्स टू द अदर नर्व सेल्स। इस वजह से ये एलोंगेटेड फॉर्म यानी लंबाई की शेप में होते हैं। उसके बाद प्लांट में जाइलम सेल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक फॉर्म में होते हैं, क्योंकि मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा है प्लांट में कि ये स्पोर्ट का भी काम करते हैं, तो अगेन ये एक बैम्बो ट्यूब लाइक फॉर्म में होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। रूट हेयर सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। रूट हेयर जो प्लांट के होते हैं, यानी एक तो होती हैं रूट्स और उसके ऊपर होते हैं रूट हेयर्स, ठीक है, यानी छोटे छोटे बाल। अब ये जितने ज़्यादा होंगे इसका मतलब है उतना ज़्यादा वाटर और सॉल्ट्स ये सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और प्लांट तक ले जाने की, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा वाटर और सॉल्ट जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेगा, ठीक है। यानी रूट हेयर्स की वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वो की प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा होती है। सो ये होगी बात सरफेस एरिया की कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेली। सेल्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सीक्रीशंस हैव मोर कॉम्प्लेक्स ईआर एंड गोल्जी ऑपरेटर्स। यानी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम होता है सीक्रीशंस, जैसे कि हमारे ग्लैंड, ठीक है, हमारी बॉडी में मौजूद जो 5 ग्लैंड्स हैं, इनका, इन सब का काम है सीक्रीशंस। तो ऐसे जो सेल्स हैं ये मतलब ऑर्गन्स हैं, ऐसे सेल्स से मिलकर बने होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स ईआर होता है और गोल्जी ऑपरेटर्स, क्योंकि इनका काम है सीक्रीशंस बनाना। नेक्स्ट है सेल्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट। अगेन जो ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है उनमें लास्ट में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सब सेल्स में मौजूद नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं सेल्स में मौजूद होती है जिनका रोल है फोटोसिंथेसिस करना। उसके बाद अगेन यहाँ पर कुछ आपको दिए हुए हैं सेल्स की टाइप्स डिफरेंट और उनके फंक्शन। नर्व सेल्स कंडक्शन है इसका रोल, मसल सेल्स जो है वो मूवमेंट रोल है इसका, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन करते हैं, स्किन सेल्स जो है वो एक्ट करते हैं एज अ फिज़िकल बैरियर और स्किन को जो है प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम टेम्परेचर, ठीक है, या पेन एक्सेट्रा। इसके बाद है सेल्स ऑफ बोन जो है कि ऐसे सेल्स हैं जिनमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है, कहाँ डिपॉजिट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, ठीक है। इसकी वजह से कंपैक्शन होती है और बोन एक कंपैक्ट और टफ स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी को स्केलेटन फॉर्म में ये सपोर्ट करती हैं बोन्स एंड कार्टिलेज टुगेदर। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर फंक्शन। आपने ऑब्जेक्टिव
पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ सेल्स एक्ट एज एन ओपन सिस्टम। सेल की वर्किंग को एक ओपन सिस्टम कहा गया है। व्हाट इज़ मीन बाय इट, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है। इट टेक्स इन सब्सटेंसेस नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, देन इट परफॉर्म्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस असाइन टू इट, प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिज्म, सेल्स ईदर यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्ट देम टू अदर सेल्स, द बाय प्रोडक्ट आर ईदर स्टोर्ड और आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ अ सेल। ओपन सिस्टम का मतलब है कि यानी इसमें एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ओपनली उससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन हो रही है, उससे बाय प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो सेल को रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फिर उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम है उन बाय प्रोडक्ट का, ठीक है, यानी पूरा सिस्टम वाइज सेल की वर्किंग होती है, इस वजह से इसको बोला जाए सेल एक्ट एज एन ओपन सिस्टम। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, आपने इसको याद कर लेना है। आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इट इज़ सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ये टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन कहा जा सकता है, काइंड बी के हो सकता है काइंड ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी, और ज़्यादा जो अहम है ये टॉपिक वो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हमें थोड़े लिए पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और ज़रा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप विजिलेंट हो जाएं इसमें। सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, हमें पता है सेल के डिफरेंट साइजेस होते हैं। द स्मॉल सेल्स आर बैक्टीरियल कॉल्ड माइकोप्लाज्म, ऑब्जेक्टिव है हाईलाइट कर लें। डायमीटर इसका होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइकोप्लाज्म ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट हो सकता है इसको लास्ट में। जो बल्कि सेल है सबसे बड़ा वाला सेल उसे बोला जाता है बर्ड एग सेल्स, और जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं वो मसल सेल्स हैं और नर्व सेल्स हैं, और जो सेल्स होते हैं ठीक है, तो ये कैटेगरी आपने टाइप ऑफ सेल्स की ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से, इस ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद हम चलते हैं, सेल साइज़ एंड शेप्स आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन, ठीक है। सेल साइज़ और सेल शेप भी फंक्शन बताती है कि जैसे कि अभी हमने जो अभी पीछे 4.2.4 टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अगर ऐसे कोई सेल्स हैं जिनको सिक्रीशंस बनानी है, जिनका रोल सिक्रीशंस का है, तो उनमें जो गोल्जी अपरेटस होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बता रही है उनका फंक्शन कैसे उनके स्ट्रक्चर पर, या उनका स्ट्रक्चर कैसे उनके फंक्शन पर अफेक्ट कर रहा है। तो अब हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। बर्ड एग्स आर बल्की बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग यंग। अब बर्ड एग सेल ऐसे एग सेल्स हैं जिनसे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनना है, ठीक है, यंग बर्ड बनना है, तो इसमें ऑफकोर्स बल्क अमाउंट ऑफ मटीरियल होता है जो कि उस बर्ड को या उस चिक को बनने में सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसको सपोर्ट करता है। जो लॉन्ग मसल सेल्स होते हैं उनका रोल है पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर। लेंथी नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ऑन दी अदर हैंड स्मॉल सेल साइज ऑल्सो हैज़ मैनी बेनिफिट, ठीक है। जैसे लॉन्ग सेल्स में आ जाते हैं मसल सेल्स और नर्व सेल्स, इनका काम है ट्रांसमिशन, ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर इनकी ट्रांसमिशन में हेल्प आउट करता है क्योंकि वो एलोनगेटेड फॉर्म में होता है। इसकी तरह स्मॉल साइज जो सेल्स हैं उनकी अपने बेनिफिट हैं, जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये सिर्फ 8 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है, एंड देयर फॉर कैन मूव थ्रू आवर थिनेस्ट ब्लड वेजल्स और कैपलरीज, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ने ऑक्सीजन को लेकर जाना है और ऑक्सीजन की ज़रूरत हमारी बॉडी में मौजूद हर एक सेल को है। इसका मतलब है इसने आखिरी लेवल तक भी रेड ब्लड सेल्स ने ट्रांसपोर्ट करना है। बेसिकली जो ब्लड सेल्स होते हैं उनमें रेड होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, इसके अलावा और भी सब्सटेंस होते हैं, ल्यूकोसाइट्स वगैरह, लेकिन इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ होता है वो रेड ब्लड सेल्स है। अब इस वजह से इसका नेचर ने बहुत स्मॉल साइज़ रखा है क्योंकि हमारी जो बहुत ही थिन जो कैपलरीज हैं, ठीक है, जो लास्ट वेन बचती है आर्टरीज वेन्स और इसके बाद कैपलरीज, तो ये उसमें से भी ट्रैवल कर
कर पाए, इस वजह से इसका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है. In relation of their volume, large cells have less surface area as compared to small cells. इस लाइन को ज़रा हाईलाइट करें कि यहाँ कहा जा रहा है कि एक जो लार्जर सेल्स होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है as compared to small cells. अब ये क्या बात है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम आपके साथ शो की गई है, शेयर की गई है, यहाँ पर शो करवाई गई है आपको, जिसमें हम देख सकते हैं वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 30 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू 27,000 माइक्रोमीटर क्यूबिक माइक्रोमीटर. ठीक है, ये आपको एक सेल का वॉल्यूम दे दिया है. इन कंट्रास्ट टू द टोटल वॉल्यूम, द टोटल सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट बिकॉज अ क्यूबिकल शेप हैज़ 6 साइड्स. अगर आप कंपेयर करें एक सेल को, ठीक है, तो अगर हम सेल के बिल्कुल सामने वाली साइड को देखें तो हमें उसका जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो उसकी तीनों लेंथ्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन अगर हम एक सेल को इमेजिन करें, ठीक है, एज अ सेल, एज अ 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो उसकी 6 साइड्स होती हैं. तो अगर हम तो उसका जो सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब जो होगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें लेंथ और विड्थ को 6 से, तो हमारे पास आ रहा है 5,400 क्यूबिक माइक्रोमीटर. और सरफेस एरिया वन स्मॉल क्यूब को हम करें उसकी, यानी अगर एक बड़ा जो सेल है वो 30 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ है, जो छोटा सेल है वो उसकी लेंथ जो है वो 10 माइक्रोमीटर है, तो हम उसको 10 लेंथ 10 हो गई, विड्थ भी 10 हो गई, सो मल्टीप्लाई कर दें हम 6 से, तो हमारा 600 क्यूबिक माइक्रोमीटर आ रहा है. तो सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स जो है वो 27 को 600 से मल्टीप्लाई कर, तो 16,200 क्यूबिक माइक्रोमीटर है, विच इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू देन 5,400 क्यूबिक माइक्रो स्क्वायर माइक्रोमीटर. जैसे कि यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये देखें, ये है लार्ज सेल, ठीक है, और इसकी जो एक लेंथ है इट इज़ 30 माइक्रोमीटर. यहाँ पर इसका सरफेस एरिया बन रहा है, यानी 30 लेंथ और विड्थ 30, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 6 साइड से, तो 5,400 बन रहा है. और नेक्स्ट आपने इसी तरह का, यानी आपने इसी साइज़ का सेल बनाना है लेकिन छोटे सेल से, ठीक है, तो आप 6 जो है वो छोटे सेल्स ले रहे हैं और उसको आप इस वे में अरेंज कर रहे हैं कि आपका जो सेल का साइज़ है वो उतना ही बन रहा है जितना कि आपने बड़ा सेल लिया है. लेकिन नाउ जो उसकी आपके पास 6 सेल्स हैं, तो अगेन आपको जब और 6 सेल्स की 6 साइड्स हैं हर सेल की, तो और एक सेल की जो लेंथ है वो 10 है, तो अब आप क्या करेंगे, ये पिछली कैलकुलेशन को देखें, ठीक है, इसमें अब आपको ये समझ आ रहा होगा. तो इसका टोटल एरिया बनता है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 20 स्मॉल क्यूब्स जो है वो आपके पास ये आ जाता है, विच इज़ अ वेरी मच लार्जर सरफेस एरिया देन द वन लार्ज सेल्स. ठीक है, तो ये हो गया रोल क्लियर कैसे. अब जाहिर सी बात है, ज़्यादा सरफेस एरिया है, ज़्यादा स्पेस है, तो उसकी फंक्शनिंग भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक लार्जर सेल से स्मॉलर सेल्स की ज़्यादा होगी. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है इट इज़ 4.4, ठीक है, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू एंड आउट ऑफ सेल्स. ठीक है, कैसे मॉलिक्यूल सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं या एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रैवल करते हैं. हमने जो सबसे पहले सेलों के नाले स्टार्ट करते हुए सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, उसमें हमने ने फंक्शन पढ़ा था सेमी परमीएबिलिटी, यानी सेल्स जो है वो हाईली फिल्टर करता है उन मटेरियल को जो सेल के अंदर आने हैं और जो सेल से बाहर जाने हैं. अच्छा, ये सारा फिल्टर को की जितने भी ट्रांसपोर्ट टाइप हैं इनको नेम दिया गया है, डिफ्यूजन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसमें आ जाएगा, ऑस्मोसिस आ जाएगा, फिल्ट्रेशन आ जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, एंडोसाइटोसिस आएगा और लास्ट पे आएगा एक्सोसाइटोसिस. अब हम इन सब की डिटेल्स को स्टडी कर लेते हैं.
Diffusion is the movement of molecule from an area of higher concentration to the lower concentration. अब diffusion की definition से हम काफ़ी familiar हैं, chemistry में पढ़ी हुई है, हम लोगों ने physics में पढ़ी हुई है, bio में भी पढ़ी हुई है, ठीक है. यानी ऐसे area से जहाँ पर concentration उस चीज़ की ज़्यादा है, ऐसे area की तरफ जाना जहाँ कम है, it is called the diffusion. The molecules of any substances, चाहे वो solid हैं, liquid हैं, gases हैं, are in motion when that substance is above 0 degree Kelvin or minus 273 degree centigrade या Celsius. ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स जब इस टेम्परेचर से 0 degree Kelvin से above चले जाते हैं तो वो continuous motion की form में आ जाते हैं. इन अ सब्सटेंस मेजोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर. तो अगेन आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, वट इज़ डिफ्यूजन, ठीक है. और ये याद रख लेना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की डिफ्यूजन जो है वो किस पॉइंट से हो रही है. तो ये हो गया डिफ्यूजन का टॉपिक. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोसिस का टॉपिक. ऑस्मोसिस नाम से ही हमें ये शो करवा रहा है कि वाटर की ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है अक्रॉस अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, या ये भी कह सकते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन. यानी जब वाटर की कंसंट्रेशन की या मूवमेंट की बात होगी फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टू लोअर, तो हम उसको डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है. और यहाँ जो वर्ड यूज़ किए गए हैं लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब है ऐसा एरिया जिसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है. और सॉल्वेंट क्या है? वाटर. यानी अगेन अगर हम इस वे में बात कर लें कि हायर वाटर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर वाटर कंसंट्रेशन, या ये बात कर लें लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब है जहाँ पर सॉल्यूट की वैल्यू ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कम है, ठीक है. आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गया है. इसकी आगे से जो है वो टोनिसिटी की बुनियाद पर ऑस्मोसिस की टाइप है, जिसमें हमारे पास आ जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है हाइपर्स, ठीक है, यानी सॉल्यूट की मिकदार जिसमें बहुत ज़्यादा होती है. हाइपोटोनिक का जो है वो मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार लेस होती है. और आइसोटोनिक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें दोनों में, यानी दोनों साइड पर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है, ठीक है. यहाँ पर आपको डायग्राम में शो किया हुआ है कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है. देखें यहाँ पर जो ब्लू में, लाइट ब्लू में शो किए गए हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो बिग रेड में हैं दे आर द सॉल्यूट, ठीक है. तो सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है तो हम कहेंगे इट इज़ हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, तो वाटर मूव करेगा अदर कंटेनर से इस साइड पे. यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से वाटर मूव करेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है. जैसे कि आप नेक्स्ट में देख रहे हैं कि मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की आहिस्ता आहिस्ता दूसरे वाले कंटेनर में ज़्यादा हो रही है. वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट हमने पढ़ना है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम. व्हेन एनिमल सेल्स सच एज रेड ब्लड सेल्स इन प्लेस इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है दे आर इक्वल, ठीक है. द सेल वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट. जो सेल ना तो अपना साइज इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंट्रिंग सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इट इज़ मूविंग आउट. यानी जितनी कंसंट्रेशन में वाटर एक सेल में एंटर हो रहा है उतनी कंसंट्रेशन से वाटर उस सेल से आउट भी हो रहा है. यानी सेल अपनी शेप को रिटेन करता है जब एक सेल को आइसोटोनिक कंडीशन में रखा जाता है. व्हेन अ सेल इज प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की मिकदार कम होती है, तो क्या होगा? वाटर एंटर्स एंड सेल स्वेल्स एंड मे रप्चर लाइक एन ओवरफ्लो फिल्ड बलून. तो वाटर जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर देगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, सेल बहुत ज़्यादा
ज़्यादा टर्जिट हो जाएगा, फूल जाएगा और ओवर फिल्ड, जैसे एक ओवर फिल्ड बलून आप कह लें, अगर एक बलून में बहुत ज़्यादा हवा भर दी जाए तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो फट जाता है। तो इसी तरीके से सेल के भी रप्चर होने का खदशा होता है। सिमिलरली अगर एनिमल सेल्स को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है। और वाटर कम है तो इसका मतलब है सेल के अंदर से वाटर जो है वो बाहर ट्रैवल करेगा और सेल अपने साइज़ में क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब हम इसको डायग्राम से, या आपने सारी डिटेल में वही चीज़ बताई है, ठीक है, तो जो मैंने अभी अब आपको एक्सप्लेन किया है, अब हम ज़रा इस डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल्स अलग अलग लिए, सबसे पहले दोनों को एंटर किया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो एनिमल सेल्स क्या हो रही हैं, जब वाटर सेल के अंदर जाता जा रहा है क्योंकि वाटर बाहर जाता है, और ऑस्मोसिस कहता है कि वाटर विल ट्रैवल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टूवर्ड्स अ लोअर कंसनट्रेशन। तो वाटर जो है वो सेल्स के अंदर जा रहा है और अल्टीमेटली सेल बड़ा होता गया साइज़ में और रप्चर्ड होता गया। जबकि एनिमल सेल में तो सेल रप्चर्ड हो जाएगा, लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होगा, क्योंकि प्लांट सेल्स में एक ऑर्गेनेल मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। होते वैक्यूल एनिमल में भी हैं लेकिन स्मॉल साइज़ में होते हैं, लेकिन प्लांट में जो है एक लार्जर वैक्यूल होता है, ठीक है, जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर मिनरल को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही सेल में ज़्यादा वाटर एंटर होता जा रहा है तो वो वाटर वहाँ से वैक्यूल में जाएगा, ठीक है, और वैक्यूल उसको अपने अंदर स्टोर करता जाएगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वैक्यूल साइज़ में बड़ा होता जाएगा और सेल की जो है वो कंडीशन एक टर्जिट कंडीशन हो जाएगी, यानी टर्जिटी, उसमें टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन है आइसोटोनिक। इसमें देखें एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेल सेम अपनी उसी कंडीशन में है। हाइपरटोनिक में डालेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा एनिमल सेल्स में, ठीक है, और प्लांट सेल्स में क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होगा। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, हम ऊपर पढ़ लेते हैं, यहाँ से आप हैं। इन आइसोटोनिक इन्वायरमेंट द नेट अप टेक वाटर इज़ नॉट इनफ टू मेक द सेल टर्जिट एंड इट इज़ फ्लैसिड लूज। इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट अ प्लांट सेल लूज वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक, ठीक है। अब देखिए प्लांट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, और अंदर वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है। तो पानी कहाँ है, अंदर ज़्यादा है सेल में, तो सेल से पानी बाहर जाएगा। जैसे ही सेल अपने अंदर से ज़्यादा पानी को निकालेगा, प्लांट सेल की यहाँ बात हो रही है, तो सेल जो का अपनी जो है वो शेप लूज़ कर देगा, ठीक है, और श्रिंक हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल की श्रिंकेज होती है, हम इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया है, ठीक है, आपकी चंद एक ट्रांसपोर्ट रह गई हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, वी विल डू इट लेटर। उम्मीद यह है कि आपने अपना क्लास वर्क अच्छे से याद करना है, अंडरस्टैंड करना है, बुक पर जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट आपको कहा है, हाईलाइट करें, उसको लाजमी हाईलाइट करें, ठीक है, और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।